मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो ये है कि मैं अपने मुल्क उसी हालत में वापस जा सकता हूँ जबकि मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा, वरना मैं एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊँगा। मैं एक गैर मुल्क में जो अगर आज़ाद है मरने को तरजीह दूँगा, और अगर आपने हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी तो फिर आपको यहाँ मुझे कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। ये थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 10 दिसंबर 1878 को रियासत रामपुर के खुशहाल घराने में हुई। उनके वालद अब्दुल अली खां वाली रामपुर के मुसाहिबीन में शामिल थे। मोहम्मद अली अभी 2 बरस ही के ही थे कि वालद का साया सर से उठ गया। उर्दू फारसी की इब्तदाई तालीम इन्होंने रामपुर में ही हासिल की। 12 साल की उम्र में वो बाकायदा तलीम के लिए अलीगढ़ आ गए और यहाँ से इन्होंने 1898 में बीए की डिग्री हासिल की। इनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली ने इनकी तालीम और तरबियत में ख़ासी दिलचस्पी ली और इन्हें इंडिया सिविल सर्विसेज के इम्तहान में शिरकत के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। बाद को दोबारा इंग्लैंड जाकर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत और किरदार की तामीर में इनकी वालदा भी अम्मा का बुनियादी किरदार रहा। वो इंतहाई समझदार और दूर अंदेश खातून थी। आज़ादी की तड़प इनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों में इस जज्बे की ऐसी शिद्दत भर दी थी कि वो सारी उम्र इसी में लगे रहे। इस दौर में जब के तहरीक खिलाफत अपने अरूज पर थी, ये मिसरे नौजवानों के हौसलों और उमंगों को दोबाला करते थे। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे देना, बूढ़ी माँ का कुछ गम न करना। इंग्लैंड से वापस आकर मोहम्मद अली जौहर ने कुछ अरसा रामपुर और बड़ौदा में मुलाजमत की, लेकिन वहाँ इनका दिल ना लगा और 11 जनवरी 1911 को उन्होंने कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कामरेड जारी किया। बाद 1912 में दिल्ली से अखबार उर्दू हमदर्द का इजरा करके दुनियाए सहाफत में धूम मचाई दी। कामरेड भी वो कलकत्ता से जल्द ही दिल्ली ले आए। उन्होंने इस अखबार के ज़रिए अंग्रेज़ी इंशा परदाजी के लिए ऐसे जौहर दिखाए कि एच जी वेल्स जैसा अंग्रेज़ी अदीब ये कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद अली ने बर्क की ज़ुबान मुकालमे का कलम और नेपोलियन का दिल पाया है। मौलाना मोहम्मद अली की ज़ुबान पर बला की कुदरत थी और इनके कलम में ऐसा जादू था कि वह अंग्रेज़ी हो या उर्दू, जब भी लिखते पढ़ने वाले इनके गर्विदा हो जाते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और ख़ुद उनकी ज़ात ज़रूरतों से मावरा हो गई थी। यही वजह है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की होशमंदी, बहादुरी, बेबाकी, ज़ोर कलम और क़ुव्वत की गुफ्तार तारीफ़ करने के लिए एच जी वेल्स को अपने ज़माने के कैसे कैसे नामोरों का सरमाया ज़िंदगी समेटना पड़ा होगा। इसे तनहा कोई शख्स ऐसा ना मिला जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दिलो दिमाग, कलम और ज़ुबान की तमाम सलाहियतें जमा हों। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई और जर्मनी के हलीफ की हैसियत से तुर्की बरतानिया के मुकाबले में आ गया। कामरेड अखबार ने तुर्कों की हिमायत करते हुए बरतानवी हुकूमत की तनकीद और मलामत का निशाना बनाया। ये बात हिंदुस्तान में मौजूद गासब अंग्रेज़ हुक्मरानों को एक आंख ना भाई, लिहाजा हुकूमत का कहर इन पर नाजल हुआ। मौलाना मोहम्मद अली नज़रबंद कर दिए गए। कामरेड की ज़मानत जब्त हो गई। दिसंबर 1919 में इन्हें कैद से रिहाई मिली, लेकिन इस वक्त तक उनकी बेबाक सहाफत कैदोबंद की तवील सहूबतों की वजह से अवाम में इन्हें हासिल हुई और यहीं से बहसियत लीडर इनकी तश्कील का अमल शुरू हुआ। बाद अज़ा इनके साथ मुसलमानों की बड़ी तादाद अमृतसर में मुनक्कद हुए कांग्रेस के इजलास में शरीक हुई। इस तरह एक सहाफ़ी से बढ़कर एक सियासी फायद कायद के तौर पर इनकी शिनाख्त परवान चढ़ी। 1919 में ही खिलाफत उस्मानिया के तहफ़ुज़ के लिए जब मरकज़ी खिलाफत कमेटी का क़याम अमल में आया तो उस वक्त अली बरादरान बीतल जेल में कैद थे, लेकिन जब वो रिहा हुए तो खिलाफत कमेटी पर छा गए। इस तरह मौलाना मोहम्मद अली ने आहिस्ता आहिस्ता एक कुल हिंद सतह के लीडर की हैसियत से अपनी शिनाख्त कायम कर ली और मुल्क भर में घूम घूम कर मुसलमानों को तर्क मवालात का पैगाम दिया। इन्होंने पूरी कौम के अंदर एक वलवला और जोश पैदा कर दिया है। बकौल खुद, खाक जीना है अगर मौत से डरना है यही, हवस जीस्त हो इस दर्जा तो मरना है यही, नक्त जान नजर करो सोचते क्या हो जोहर, काम करने का यही है तो
तुम्हें करना है यही। फरवरी 1920 में वह एक वफद लेकर इस घर से इंग्लैंड गए कि खिलाफत के बारे में मुसलमानों के मौकफ से बरतानवी हुकूमत को आगाह कर सकें। यह वफद अक्टूबर 1920 में वापस हिंदुस्तान आ गया और वापसी के बाद मौलाना मोहम्मद अली ने अपने एक और ख्वाब को अमली जामा पहनाया। वो था जामिया मिलिया इस्लामिया का क्याम। 19 अक्टूबर 1920 को मौलाना मोहम्मद अली ने महात्मा गांधी को साथ लेकर अलीगढ़ कॉलेज की मस्जिद के हाल में एक नए तालीमी इदारे की बुनियाद डालने का ऐलान किया जो सरकारी इंतज़ाम से आज़ाद था। इसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया रखा और इसका अफ्तताह दारुल उलूम देवबंद के शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन निक्स से कराया। मौलाना मोहम्मद अली 22 नवंबर 1920 को जामिया के अवलीन वाइस चांसलर मुकर्रर हुए, मगर इस हैसियत से वो सिर्फ 6 महीने काम कर सके और अप्रैल 1921 में मद्रास जाते हुए वल्टायर के स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। जुर्म यह था कि इन्होंने कुछ दिन पहले कराची में एक ऐसी तकरीर की थी जिससे मुसलमान सिपाहियों के दिल में अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा हो गया था। इस कैद से इन्हें अगस्त 1923 में रिहाई मिली। दिसंबर 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया, लेकिन वह गालिबा एक बरस के अरसा में ही इस हदे से सबकदोश हो गए, लेकिन इन्हें इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने 1924 में कामरेड और हमदर्द दोबारा निकालने शुरू किए, लेकिन इन्हें इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1926 में कामरेड और मार्च 1929 में हमदर्द की इशात बंद हो गई। जितने अरसा भी ये दोनों अखबार मंजरे आम पर रहे, बरतानवी हुकूमत के वानों में उनकी गूंज सुनाई देती रही। उन्होंने अपने अखबार के ज़रिए ना सिर्फ बरतानवी साम्राज्य की चोलें हिलाईं बल्कि सहाफत को भी एक नया रंग आहंग अता किया। इन अखबार के इशात के पसे पुश्त तजारती मकासद ना थे और ना ये ज़रिया माश के दर्जे में थे, बल्कि ये एक मिशन के तौर पर आज़ादी की तहरीक को परवान चढ़वाने और आज़ादी के मतवालों में नया जोश जज्बा पैदा करने के लिए मंजर आम पर आए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इन अखबार से औजार हरब का काम लिया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी के शाना बशाना तहरीक आज़ादी को परवान चढ़ाया। तहरीक खिलाफत में गांधी जी की शिरकत दरअसल अली बरादरान की कोशिश ही का नतीजा थी। 1915 से 1920 तक के सियासी हालात का बगौर मुतालिया करने पर यह हकीकत पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है कि अली बरादरान की कोशिश से कौम में महात्मा गांधी की मकबूलियत में इजाफा हुआ। अली बरादरान जब भी मुसलमानों में जाते वो गांधी जी को अपने साथ ले जाते थे। जामिया मिलिया के क्याम की तकरीब हो या फिर कानपुर की मस्जिद का अफसोसनाक वाकया, अली बरादरान महात्मा गांधी को ख़ास अहमियत देते थे और ये तीनों रहनुमा दौर में जंग आज़ादी के सरखील कहलाते थे। मौलाना मोहम्मद अली का सबसे अहम कारनामा तहरीक खिलाफत को करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस तहरीक के हामियों ने तुर्की की ज़बरदस्त हमायत की और बबांगे दोहल अंग्रेज़ों को वतन छोड़ने का हुक्म दिया। गांधी जी ने तर्क मवालात की तहरीक को तहरीक खिलाफत के साथ इश्तराक अमल करने पर जोर दिया और दोनों तहरीकें अंग्रेज़ों के लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन गई। गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इस इश्तराक अमल के नतीजा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यकजानियत की एक ऐसी खुशगवार फ़िज़ा कायम हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम ख़ास तौर पर तहरीक खिलाफत से वाबस्ता है और तहरीक खिलाफत हिंदुस्तान की कौमी तहरीकों का एक हिस्सा थी, इसलिए खिलाफत की तहरीक को हिंदुस्तान की तहरीक से जुदा करके नहीं देखा जा सकता। ये बात सही है कि खिलाफत उस्मानिया का मर्द बीमार बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ था और खिलाफत इस्लामिया का तहफ़ दुनिया के मुसलमानों के लिए एक जज्बाती मसला बन चुका था। इसमें भी कोई शक नहीं कि यह तहरीक ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के मिली और कौमी जज्बात को बेदार करने का एक मौसर ज़रिया साबित हुई। जहां तक जज्बातियत का तल्लक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इनके हम असर काबरीन की मजबूरी यह थी कि वो बरतानी इस्तेमार के बढ़ते हुए कदमों को हर सूरत में रोकना चाहते थे। इस ज़माने में बरतानवी साम्राज्य आलम इस्लाम की सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी शराजा बंदी को तोड़ देने की ज़बरदस्त साजिशें कर रहा था, इसलिए इन बुज़ुर्गों के सामने तहरीक खिलाफत भी बरतानवी साम्राज्य से दुनिया को निजात दिलाने का एक वसीला थी। अब जहाँ तक मजहबी जज्बात और एहसास का तल्लक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के तमाम हम असर काबरीन ख्वा वो हिंदू हों या मुसलमान, सब के सब मजहब के नाम पर कौमी तहरीकों का आगे बढ़ा रहे थे।
यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी हिंदुस्तान में रामराज यानी आज़ादी और इंसाफ की हुकूमत का तस्वर पेश कर रहे थे। आज हिंदुस्तान में बाज़ कोताह कल्ब और तंग नज़र लोग ये सवाल बड़ी शिद्दत से उठाते हैं कि मज़हब बड़ा है या वतन। इस सवाल का सबसे भरपूर और मुदल्लल जवाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की अपनी इमारकतुल आरा तकरीर में कुछ यूँ दिया था। मेरे पास एक तमद्दन है, एक सियासी निज़ाम है, एक नज़रिया है, ज़िंदगी है और इस्लाम, इन सब का इम्तिजाज है। जहाँ तक अहकाम खुदाबंदी बजा लेना का तल्लक है, मैं अव्वल भी मुसलमान हूँ, दोयम भी मुसलमान हूँ और आखिर में भी मुसलमान हूँ, यानी मुसलमान होने के अलावा कुछ नहीं हूँ। लेकिन जहाँ हिंदुस्तान का सवाल आता है, जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी का सवाल आता है या जहाँ हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद का सवाल आता है, मैं अव्वल भी हिंदुस्तानी हूँ और आखिर भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के अलावा कुछ नहीं हूँ।